इतिहास में जब भी त्याग, बलिदान और शौर्य की बात होगी, तब रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। सभी लोग प्यार से उन्हें मनु बुलाते थे। उनका बचपन कानपुर के बिठूर में बीता। मात्र 13 वर्ष की आयु में झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद वो झांसी आकर रहने लगी थी। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको झांसी के किले में लेकर चलते हैं और इस स्थान पर इतिहास में घटी पूरी घटना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तब रानी लक्ष्मीबाई इसी स्थान से अपने घोड़े सहित नीचे कूद गई थी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं झांसी के किले में, जहां पर झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों हमारी इस वीडियो में आपको इस किले का पूरा इतिहास बताने के साथ साथ आपको इस किले की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो में घूमते हैं झांसी का किला। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं झांसी के किले के बाहर। हमारी पिछली वीडियो में हम आपको ओरछा के सभी प्लेसेस में लेकर गए। अभी हम आए हैं ओरछा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झांसी के किले में। तो चलिए आपको झांसी के किले की ओर लेकर चलते हैं और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम काफी ऊंचाई पर हैं। झांसी का ये किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। इस किले का निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह ने 1605 से लेकर 1622 तक पूरा करवाया था। बाद में इसे मराठा शासन के पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। हमारे सामने है टिकट काउंटर। मात्र 25 रुपए का टिकट लेकर आप इस किले के अंदर जा सकते हैं। झांसी का किला सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप इस टाइम के बीच में कभी भी आ सकते हैं किला घूमने। किले के अंदर आते ही सामने दोस्तों आपको सबसे पहले कड़क बिजली नाम की तोप देखने को मिलेगी। इस तोप का जिस तरफ मुंह है इसी तरफ से अंग्रेज सैनिक ने आक्रमण किया था। रानी चाहती तो इस तोप का इस्तेमाल अंग्रेज सैनिकों पर करके उनको हरा सकती थी, लेकिन इस साइड गणेश जी का मंदिर था जहां पर रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन पूजा करती थी। इसी वजह से उन्होंने ये तोप इस तरफ चलाने से मना कर दिया। इसी वजह से अंग्रेज सैनिक आसानी से किले के अंदर घुस आए। 1857 की क्रांति के दौरान इस तोप को गुलाम गौस खान चलाते थे। पूरे भारत में ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। दोस्तों इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये चलती थी तब बिजली के कड़कने जैसी आवाज करती थी। इसी वजह से इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। अभी हम दोस्तों अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं अंदर से ये किला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा लगता है। सन 1858 में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया था। तब मुख्य तोप चलाने वाले गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और महिला सेना की सेनापति मोतीबाई 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इसी स्थान पर उनकी समाधियां बनवाई। सामने आप जो इमारत देख रहे हैं ये है दीवाने खास। पूरे राज्य के खास मंत्री, सेनापति और पूरा राज्य का लेखा जोखा यहीं से चला करता था। दोस्तों जब आप इस किले में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे किले के अंदर की रोड और यहाँ की साफ सफाई बहुत ही ज्यादा मेंटेन है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन भी बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा, आप जब भी झांसी का किला आते हैं तो ठंड के मौसम में ही आइए। अगर आप मार्च से लेकर जुलाई तक आएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी। झांसी का पहले नाम बलवंत नगर हुआ करता था। जब जयपुर के राजा रानी ओरछा के किले पर पहुंचे तब ओरछा से उन्होंने झांसी के इस किले को देखा। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद उनको झांसी का किला काफी धुंधला सा दिखाई दिया, जिसको कहते हैं झरिया सा दिखाई दिया यानी झाई। झाई सा दिखाई देने के बाद उन्होंने इस स्थान का नाम झांसी रख दिया।
दोस्तों चारों तरफ आप जितनी भी इमारतें देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर सैनिक खड़े होते थे और उनके रहने के लिए यहाँ पर रूम्स वगैरह बने हैं। इस इमारत में एक खिड़की भी बनी हुई है जहां से झांसी के किले का नजारा साफ देखा जा सकता है। एक तरह से ये खिड़की वॉच टावर के काम आती थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1838 में राजा गंगाधर राव के साथ झांसी में हुआ था। विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थी। 19 साल की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उस पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद राजा गंगाधर राव भी गम में रहा करते थे। उसके बाद उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। अपने पुत्र की मृत्यु के गम को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। झांसी के इस किले में आप किसी भी इमारत के अंदर जाएंगे दोस्तों, तो सभी इमारत के अंदर आपको ऐसी खिड़की मिलेगी जहां से पूरे किले को आसानी से देखा जा सकता है। एक तरह से ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। हमारे सामने आप जो इमारत देख रहे हैं, ये इमारत अंग्रेजों ने बनवाई थी। जब उनका झांसी के किले पर कब्जा हो गया था, उसके बाद वो अपने यहाँ पर सैनिक तैनात रखते थे जो कि यहाँ पर खड़े होकर पूरे किले की निगरानी करते थे। सन 1858 में जब अंग्रेजों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल पर बैठकर किले से 50 फीट नीचे कूद गई थी। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद बादल घोड़े के पैर खराब हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उस घोड़े ने उनको कालपी तक पहुंचा दिया। कालपी में बादल घोड़े की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया और वहां से नया घोड़ा लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई उस घोड़े पर बैठकर सिंधिया परिवार के पास ग्वालियर जा पहुंची और उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया परिवार से मदद मांगी, लेकिन सिंधिया परिवार ने उनको धोखा दिया और युद्ध के लिए अपनी सेना देने से मना कर दिया। ग्वालियर के किले से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों हम नमन करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की इस वीरता और शौर्य को, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। चलिए दोस्तों आपको उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े सहित नीचे कूद गई थी। दोस्तों अभी हम किले के उस स्थान पर आ चुके हैं जब अंग्रेज सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई इसी स्थान पर अपने घोड़े सहित नीचे कूद गई थी। दोस्तों हमारे सामने आप जो देख रहे हैं, दीवार में थोड़ा गैप है, इसी स्थान पर बैठकर रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक फायरिंग किया करते थे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 2:00 PM और हम किले पर मौजूद हैं और अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें सब्सक्राइब करके, और हाँ अगर आप इस किले में आते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लाएं। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि झांसी आ रहे हैं घूमने के लिए। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ।